But tell me one thing, जो आप real life में बिल्कुल नहीं है, उसे real life में पर्दे पर पेश करना, उसे उस और बहुत convincing तरीके से पेश करना, was that tough? No, honestly for me, जब मैंने शिखा का character पढ़ा और जब पूरी film पढ़ी, तो मुझे realize हुआ कि ये जैसे मैंने कहा कि कितना निजी ज़िंदगी यार हमारी ज़िंदगी को relate करता है, ना ही not just the character but the entire film. It's a very it's something that while you watch, तब आपको लगेगा हाँ यार, you know, जब ये एक reaction आता है जब हम film देखते हैं और कुछ होता है and then we look at the person we are sitting next to, चाहे हमारा दोस्त हो, हमारा husband हो, हमारी माँ हो, कोई भी हो, लेकिन उनको देख के जब करते हैं हाँ ना ऐसा होता है, that is I think very relatable factor. और शिखा के लिए मेरे लिए वही था कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा हाँ यार मैंने ऐसी औरतों को मैं जानती हूँ, मैं मेरी अपनी फ्रेंड्स ऐसी हैं, तो आई नो दैट दिस एग्जिस्ट. तो मुझे लगा ये मेरे मुझे बहुत मजा आएगा करने को बिकॉज दे एग्जिस्ट एंड इट्स माई ट्रिब्यूट टू ऑल द नैगिंग वीमेन आउट देयर. It's okay. We can be nagging and we can be nagsters, but we still love them. You know, Umrao Jan, इस रोल को अदा करने का सौभाग्य पहले रेखा, फिर ऐश्वर्या राय बच्चन, आपको एक गाने में हुआ है. I know. It's such a huge compliment. You know, ever since the song broke, मुझे कोई भी Facebook पे लिखता है या you know text करते हैं, they'll be hey Umrao Jan, so what's up? So, you know, and I'm like wow, that's a huge compliment. When we did the song, when I heard the song, I never thought it would, you know, have repercussions like this. Ki mera nickname Umrao Jan ho jayega, but wow. But tell me about Swapna Waghmare Joshi, jo aapki director hai. I believe she is inspired by Hrishikesh Mukherjee's movies. Kya wahi parde pe nazar aata hai? Usi tarah ka cinema? एक उसका एक ग्रेन आप कह सकते हैं, उसका एक फ्लेवर जो था ऋषिदा की फिल्मों का, एक लाइटनेस यार, एक हंसी बट सटायरिकल भी, साथ साथ में थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ, लेकिन एक अच्छी जरा एक स्माइल के साथ स्लाइस ऑफ लाइफ. तो यस डेफिनेटली आपको दिखेगा. लाइक यू सेड, शी वॉज यूजली इंस्पायर्ड. और जब दमादम शुरू हुई तो हम पहले से हमने सोचा था कि वो उस तरह की जरा वो जोन की फिल्म है, तो हमने उस तरह ट्रीट भी किया है परफॉर्मेंस एंड द वे शी शॉट इट, आई गेस. राइट. एंड यू नो इसमें जो ह्यूमर है, डज इट रियली कम अक्रॉस वेल ऑन स्क्रीन? Like I said again, it's slice of life. It's a kind of humor. जब for example जैसे मैंने आप जब प्रोमो देखते हैं तो एक हंसी आ गई आपको, कहाँ जा रहे हो, किधर से आ रहे हो, अरे तुमने मुझे फोन नहीं उठाया, अरे मैं बाथरूम में था यार, फोन कैसे उठाऊं, यू नो ये सब नॉर्मल आम जिंदगी में होता है और कहीं ना कहीं हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है, तो एक स्माइल आ जाती है. तो अगेन इट इज वेरी रिलेटेबल. तो मुझे लगता है वो ह्यूमर आएगी और लोग रिलेट करेंगे और उसे ज्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को, आई एम श्योर लड़कियां शिखा को यू नो अपने देखती है, गर्ल्स विल सी नो आई एम मोर लाइक सोनल, you know, right. मैं इसका किरदार ज्यादा हूँ, आई कांट बी लाइक शिखा. एंड देन देयर आर मेन, यूनिवर्सली मेन आर गोइंग टू लव समीर बिकॉज़ दे आर लाइक हाँ यार. बट इज इट द यूजुअल लव ट्रायंगल, या इस फिल्म में कुछ अलग कहने का प्रयास किया है? एग्जैक्टली, काफी अलग कहने का प्रयास किया है. वो यूजुअल से इतना अलग है, मैं ज्यादा रिवील इसलिए नहीं करना चाहूंगी कि वो एक ट्विस्ट और वो एक मजा है, बट वो जो अनयूजुअल यार कुछ अलग हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगेन इतना फ्लो के साथ, इतनी इजीली और इतनी आसानी से आ जाता है और इतना इजी है. हम कोई बड़ा फंडा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, कोई बड़ी फिलसफी या ये कि यू नो ये जीवन का सार है, इट्स नॉट, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ सो ऑब्वियस. लेकिन कभी कभी ऑब्वियस चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, उसे हमें खोजना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं वो एक रेवलेशन जो तीनों कैरेक्टर्स का है वो एंड में आता है. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज सो इंटरेस्टिंग. राइट, ओके. आखिरी सवाल, अगर आपको कहना पड़े कि दर्शकों को कि हमारी फिल्म देखने आए, इसमें बहुत सारी खूबियां बट एक ऐसी यूएसपी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या होगा? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर फिल्म? द यूएसपी आई थिंक एक ऐसी फिल्म है जो आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन किरदारों में आपको आपकी जिंदगी या आप शायद नजर आए, और अगर आप अपने आप को इस तरह मिलना चाहेंगे तो ज़रूर मिलिए. इट्स अनदर वे ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ एंड मीटिंग यू एंड अपने आप को एक थोड़ा अलग तरीके से देखने का मौका, बिकॉज लाइक आई सेड कहीं ना कहीं वो किरदारों के साथ आप रिलेट करते हैं. तो कहीं अगर आपको शिखा में आप नजर आ जाएं तो प्लीज़ देखने आइएगा, क्योंकि वो मज़ा है दमादम का. बहुत खूब. आप क्या कहना चाहेंगी सोनल? मैं कहना चाहूँगी आपने अगर दिवाली वीकेंड पे बहुत मिठाइयाँ खानी है, सो वन ऑफ द वेज ऑफ लूजिंग कैलोरीज इज लाफिंग, तो आप आके हमारी मूवी देखिए. प्रैक्टिकल, या एंड यू कैन लूज अ लॉट ऑफ कैलोरीज बाय लाफिंग.